भाई मैं मैच चालू करूँ उससे पहले एक स्पेशल बंदा आया है मैच देखने। देखना चाहोगे कौन है? वो देखो पीछे दिखा एक बंदा। ठीक है, स्पेशल ऑडियंस है, शुरू करते हैं हमारा गेम प्ले। स्वागत है भाई आप सभी का हमारे आज के आईबी क्रिकेट के फ्रेंडली टूर्नामेंट में, जहां पर हमारा सामना हो रहा है साउथ अफ्रीका के सामने। सेटअप हर बार की तरह सेम है, स्पेशल गेस्ट भी आ चुके हैं आज के दिन, सिलेक्टर हैं, पता नहीं क्या है भाई उनका, कोई निकनेम दे दो। वो कल भी आए थे घर पे, आज भी आए हैं, पता नहीं बारिश के मौसम के कारण या जो भी है, बट ठीक है। आज आई थिंक एक ऐसा अपोनेंट है जिसको मैं इस टूर्नामेंट का दावेदार कह सकता हूँ। 89 रन से अगर कम देंगे, अगर 89 से कम हम मारते तो साउथ अफ्रीका नंबर एक हो जाएगा, अगर 119 से ज़्यादा मारते हैं तो सबसे खराब टीम बन जाएगा। लेट्स प्ले। ठीक है भाई हम लोग तैयार हैं। एक्चुअली मैं बीच बीच में थोड़ी सी नज़र उठा के देख ले रहा हूँ, वो अभी भी वहीं पर ही हैं। अगर अंत में मुलाकात हुई तो आपसे मिलवाऊंगा कि क्या हालत है उनकी हमारी गेम प्ले देख के। एक्चुअली गेम प्ले नहीं, खाली मुझे देख के। ठीक है, अपने फेवरेट बैट के साथ उतर रहे हैं और सबसे महंगे बैट के साथ उतर रहे हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर, इनकी स्ट्रेटेजी भी एकदम अलग है साउथ अफ्रीका की, पता नहीं क्यों स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं। चलो 89 मिनिमम, 120 मेरा टारगेट है। शुरुआत अच्छी है, फर्स्ट बॉल पे ही स्विप शॉट के साथ 6 रन, चौकर चौक्स ये सुना है मैंने, होते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन डॉट राइट आर्म शॉट 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 शॉट, पैर पे पैर अटेम्प्ट किया था बट नाकामयाब रहे गेंदबाज। और ये स्ट्रेटेजी है ना स्पिनर वाली, ये पहले भी ट्राई किए जा चुकी है। डॉट ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। डॉट यार सीधा खेल, याद है ना लास्ट टाइम ऑल आउट हुए थे। गैप मिड विकेट से 4-14 रन, फाइनली फास्ट गेंदबाज के साथ आ रहे हैं। एच और 6। देखो भाई मैं पोजीशन में तो आ गया था, ये देखिए यहाँ पर मैं पोजीशन में तो आ गया था बट मिडलिंग नहीं हुआ। ये देखिए रिएक्शन पिक्चर में, अभी बहुत सारे ट्विस्ट हैं। इनसाइड एज, 1 रन दूर रह गया मैं बॉल से। एज गेंदबाज 2 एजेस दे चुके हैं, मिस किया कीपर ने, कमेंटेटर ने क्लियर किया। ये खराब कीपिंग, यहाँ भी कंटिन्यू ऑफ साइड पर, दमदार शॉट तो नहीं है जिसके कारण, बट धक्का दे दिया इसको बाउंड्री के पास। पिछली ओवर को भी पीछे कर दिया इस गेंद ने, इस ओवर ने, और बची कुची कसर स्क्वायर से 6 के साथ पूरी होगी। एक बात और भी मैं बता दूं, मौसम भी बहुत सही है, बट आई थिंक मौसम को आप दोषी नहीं कहेंगे, अफ्रीका का बॉलिंग ही खराब है लग रहा है। 1 रन और स्पिनर, ठीक है फील्डिंग में मिड विकेट गैप है, ऊंचा खेलते हुए मिड विकेट पे चेस चल रहा है फील्डर का, नीचे आने में नाकामयाब नहीं बल्कि कामयाब। अंत तक क्लियर नहीं था, पकड़ पाएंगे कि नहीं, ऊंचा खेला था, ये भारी पड़ा है। इस रिप्ले में देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर रही है गेंद, कितना वक्त लेगी, आप टाइमर चालू करिए, कितना देखिए कितना ऊंचा गया ये गेंद। फील्डर ने लॉन्ग ऑन से सफर किया था मिड विकेट तक का। फास्ट ब्रेक थ्रू इसकी जरूरत थी, मिल चुका है और डॉट चालू हो गई है। अरे प्रैक्टिस करा रहा है क्या? 3 गेंदों ने गेम पलट दिया है। साउथ अफ्रीका जो कि चौकर लग रहा था, इस समय हमको जोकर बना दिया। अभी भी मैं लॉफ्टेड ही ले रहा हूँ, कैच ऑलमोस्ट हो सकता था, 1 कदम आगे होते गेंदबाज तो कर लेते। 2 रन नहीं ले पाए शॉट, भले रन आ रहा है बट वो मिडलिंग वाली बात होती ना, दम होता है शॉट में, वो नहीं है। 6 भले 6 है बट एक कॉन्फिडेंस से शॉट, ये उससे अच्छा है, भले ग्राउंड शॉट बाउंड्री है। मीडियम फास्ट लेफ्ट आर्म इनसाइड एच स्लाइडिंग एफर्ट, 1 रन, 3 विकेट है हमारे पास। इस बार फाइन लेग पे खेल दिया है पुल करते हुए गेंद को, 4, और फाइनली स्ट्रेट कुछ खेला है और 6 रन। फील्डिंग फैल चुका है, स्ट्रेट शॉट आई, पैर मार दिया, लॉन्ग ऑफ चला गया एक के लिए। बैट में एकदम ऊपर से पकड़ाऊं ताकि मैं शॉट ले सकूं। फाइन लेग इनसाइड एज के साथ 4 देगा, पीटा तो बहुत अच्छा है, 64 पे 2, फिर इनसाइड एज, इस बार 1। लक के भरोसे नहीं चलेगी गेम, बाउंसर कीपर के सर के ऊपर से, वाइड भी ऐसा है, वाइड यस, 5 रन। साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने खुद ही गलतियां कर करके नुकसान किया है अपना, स्ट्रेट काफी सही टाइमिंग से 1 रन, लेकिन मिड विकेट है टारगेट, ऑफसाइड पूरा खा लिया। अरे कहाँ कैच दे रहा है, ओ डर गए गेंदबाज, ऐसे यूं करके
दो रन बाउंसर, फिर मिसकीपिंग वाइड, ओके एक्स्ट्रा। पता नहीं क्यों बाउंसर नहीं खेल पा रहा है इंस्टेंट डिफिकल्टी में। ये सब है, ये सब सही है। फ्रंट फुट तो चार लगा है, लेकिन यार एक कहते हैं ना एक पुल मारना है मुझे पोजीशन में। फिर यॉर्कर डाल दी, मीडियम पेसर है। अरे यार खराब कीपिंग ने हमारा काम और आसान किया है। पहले मैच में अफगानिस्तान ने 119 क्यों दिए थे पता है? खराब कीपिंग के कारण, 16 रन एक्स्ट्रा थे खराब कीपिंग के कारण। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट आ रहे हैं, इन्होंने लगभग उनका रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है समझो। दो रन है, तीन भी आ सकते हैं अगर थोड़ा वक्त लगाए फील्डर को। दो रन टोटल इस बार भी दो। बार बार गेंदबाज बीच में आ जा रहा है, पैर लगा रहा है, गलती से लग रहा है उसका, जानबूझ के नहीं। असली स्कोर जो हुआ है वो अभी हुआ है 86 फ्री का। वाइट 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 87 रन। यहाँ पे एक बड़ा शॉट, चार रन इनसाइड एज स्टंप्स बचते हुए। 90s में पहुंच चुके हैं, मतलब अफ्रीका अब नंबर एक पे तो नहीं आएगा, मोस्टली नंबर दो पे भूल ही जाओ। यॉर्कर सही वक्त पे कनेक्ट करते हुए एक रन। मैं बैट अभी थोड़ा सा ऊंचा रखा हूँ, देखो आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आ खराब कीपिंग, रुकेगी क्या? चार एक और। अफगानिस्तान का रिकॉर्ड खतरे में, बच गई वाइट गेंद। वाइट गेंद मतलब मेरे लिए नहीं, मेरे से दूर थी। 24 गेंदें बाकी यहाँ पे। स्लोवर दो रन देगी, अच्छा हो मैं कुछ पहले से माइंडसेट नहीं था। तेज मार रहे हो बट भाई फील्डर है, एक ही रन आएगा। इनसाइड एज चार रन। अब कोई देखेगा अगर मेरा वैगन व्हील तो लगेगा कि पीछे फाइन लेग मार मार किया है, बट एज ही सही है। यॉर्कर फिर फाइन लेग, फिर से चार। इसे कहते हैं बैड लक होना, चौकर प्लस बैड लक। बैट का ग्रिप आप देख सकते हैं ऑलरेडी। फिर यॉर्कर, फील्डिंग चेंज था, डॉट नहीं तो चार था। थ्री, कीपिंग खराब, सत्यानाश। टोटल स्कोर हो गया 110 पे दो, 18 गेंदे बाकी। अरे कैच नहीं, कैच नहीं, कैच नहीं, कैच नहीं, एक रन। अरे यार कीपर पकड़ेगा, छोड़ दे भाई। फू 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 फू, हाँ गेंदे बाकी हैं 14। ऑन द पेपर स्कोर हुआ 89, हकीकत में तो ज्यादा है। ऑफ साइड बैकफुट पे एक गेंद ऑफ साइड थी पिछली, ये लगा 6। उम्मीद कर रहा हूँ मैं सफल। 12 रन करने हैं, वैलिड 12 रन। अगर मैं कर लेता हूँ वैलिड 12 तो मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा 10 ओवर का। ऑफ साइड, कब से ये वाइड गेंद दे रहा था यहाँ पे दूर दूर, फाइनली पकड़ा है इसको। शतक पूरा है, फाइनल रिकॉर्ड में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बैकफुट पे 4 रन, भारी पड़ गए इनको। अरे यार बॉडी पे डाल दी मुंह की तरफ। मैं क्या बोलूं यार, स्लोवर मिडल पे डाल दी यार। 7 गेंदे बाकी हैं, एक विकेट बची है। टोटल स्कोर मेरा 129 हो गया जो इस टूर्नामेंट में काउंट होगा। ऑन द पेपर 106। बाप रे यॉर्कर खतरनाक, बट इनसाइड एज में 4। लीडर बोर्ड में मैंने छलांग मारी से चालू कर दी आखिरी ओवर। डॉट, हाँ पिटाई करनी है भाई सीधा 6-6-6। आ डॉट, दो गेंदे, वाइड गेंद नहीं दे रहा, 3 डॉट डाल दी। एक्साइटमेंट खत्म भाई पूरी। अरे 4 डॉट, ये गेंदबाज था कहाँ अभी तक? 4 आखिरी में, बॉटम है। सब गेंदे मेरे ऑफ स्टंप जो है ना उससे 2-3 स्टंप छोड़ के डाली है। देखा दुष्ट है ये गेंदबाज, 2 रन आ रहा है, 3 भी आ सकता है। फाइनल स्कोर मैं आपको बताता हूँ, 116 पे 4 से रैंकिंग का स्कोर है, लेकिन जो हमारा टूर्नामेंट में काउंट होगा वो होगा 139 पे 4। मतलब कि अफ्रीका रैंकिंग में सबसे खराब। वीकली टूर्नामेंट की बात करें तो 10 ओवर में मैंने दुनिया में टॉप 3 का रिकॉर्ड बना दिया। मेरे आगे सिर्फ अक्षटे और फियरलेस लक हैं, बाकी वो भी 3 रन और 9 रन से, नहीं तो मैं लास्ट ओवर में पीट देता तो मजा आ जाती। तो भाई रैंकिंग ऑलरेडी आपके सामने आता हुआ है, यहाँ पे जो है हमारा सेटअप अगले मैच के लिए भी तैयार है। टीम से आपको मिला देता हूँ, साउथ अफ्रीका के लेफ्ट में है
न्यूजीलैंड। तो ब्लैक कैप्स के साथ मुलाकात होगी। साउथ अफ्रीका चौक 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 सुना था, आज चौक करते हुए वीआर में भी देख लिया। किस्मत की बात थी, थोड़ा ख़राब गेंदबाजी भी थी, बट जो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल फॉर्म जो है वो यहाँ पर भी दिखता हुआ, तो देख सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रीम में। भाई न्यूजीलैंड ब्लैक कैप्स के साथ सामना होगा। आप लोग इतना करना यार इस वीडियो पर कि लाइक कर देना। बाकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में होती है। बाय बाय, टाटा, गुड डे।